इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का एक प्यारा सा क्वेश्चन हमारे सामने है। सबसे पहले यार क्वेश्चन को हम रीड करते हैं। द पोजिशन ऑफ सम मेटल्स इन द इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज इन डिक्रीजिंग इलेक्ट्रो पॉजिटिव कैरेक्टर इज गिवन एज। यार देखिए, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में कुछ मेटल्स के इलेक्ट्रो पॉजिटिव कैरेक्टर के बारे में दिया गया है। सबसे ज्यादा इलेक्ट्रो पॉजिटिव मैग्नीशियम है, देन एल्युमिनियम, जिंक, कॉपर, सिल्वर। ठीक है ना। और इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जो लेफ्ट वाला होता है वो मोर इलेक्ट्रो पॉजिटिव होता है, राइट वाला लेस इलेक्ट्रो पॉजिटिव होता है। व्हाट विल हैपन इफ कॉपर स्पून इज यूज्ड टू स्टर अ सॉल्यूशन ऑफ एल्युमिनियम नाइट्रेट। कॉपर स्पून के हेल्प से हम एल्युमिनियम नाइट्रेट के सॉल्यूशन को स्टर कर रहे हैं। मींस मान लीजिए एल्युमिनियम नाइट्रेट का सॉल्यूशन है AlNO3 होल थ्राइस, और हम कॉपर स्पून से स्टर कर रहे हैं, तो क्या इन दोनों के बीच में कोई रिएक्शन होगा? तो देखिए, रिएक्शन का सिंपल फंडा है, अ मोर रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेसेस अ लेस रिएक्टिव मेटल। मींस कॉपर कैन डिस्प्लेस एल्युमिनियम, जरा सोचो। तो कॉपर यार आपका लेस रिएक्टिव है, एल्युमिनियम मोर रिएक्टिव है, मींस कॉपर कैन नॉट डिस्प्लेस एल्युमिनियम। इसलिए यहां पे हम क्या बोलेंगे, नो रिएक्शन विल ऑकर बिटवीन देम। तो हम अब एक एक करके ऑप्शन पढ़ते हैं। द स्पून विल गेट कोटेड विथ एल्युमिनियम। क्या कॉपर के ऊपर एल्युमिनियम का लेयर चढ़ जाएगा? बिल्कुल नहीं, नो रिएक्शन है यार, कॉपर कैन नॉट डिस्प्लेस एल्युमिनियम। ऑप्शन ये ऑप्शन तो गलत हो गया। आपको क्या बताना है, व्हाट विल हैपन? चलिए, तो ये तो नहीं होगा। एलॉय ऑफ कॉपर एंड एल्युमिनियम इज फॉर्म, एल्युमिनियम और कॉपर का एलॉय बन जाएगा, कोई रिएक्शन ही नहीं हो रहा है। द सोल्यूशन बिकम्स ब्लू, नहीं, देयर इज नो रिएक्शन। कॉपर और एल्युमिनियम, यहाँ पे कॉपर एक लेस रिएक्टिव मेटल है, इट कैन नॉट डिस्प्लेस एल्युमिनियम, मीन्स यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, देयर इज नो रिएक्शन बिटवीन देम। तो इसलिए ऑप्शन यहाँ पे डी आपका करेक्ट होगा। होप यू।